गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। अगर मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं तब देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल। ओके, फॉर एग्जांपल लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑर्डर इज 2x2, इसका ऑर्डर 2x2 है एंड मैट्रिक्स बी ऑर्डर इसका 2x1 है। ऑर्डर इन द सेंस कि पहले मैट्रिक्स में दो रो हैं और दो कॉलम हैं एंड इन द बी मैट्रिक्स There are two rows and one column. What we observe here कि first matrix में कि number of column second matrix के number of row के equal हैं, therefore here matrix multiplication is possible. यहाँ पर matrix multiplication possible है। But अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि let b is equal to x y and A इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 1 है एंड सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या है आपकी 2 है। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर BA is not possible. BA not possible. यहां पर क्या है AB possible है। AB क्या है आपका possible है। तो इससे क्या मिलता है हमें कि in general the product of AB is possible. In general we say कि BA is not possible. ये जरूरी नहीं है कि आपका BA भी पॉसिबल हो। हाँ, किस केस में हो सकता है? इफ लेट मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2x2 एंड मैट्रिक्स बी ऑर्डर 2x2, तो इन दोनों केस में अगर हम देखते हैं तो ए बी भी पॉसिबल है और बी ए ऑल्सो पॉसिबल, बी भी क्या आपका पॉसिबल है। अगर आप ए की बी से प्रोडक्ट करें या बी की ए से प्रोडक्ट करें तो ये आपके पॉसिबल हैं इस केस में। ओके, अब हम सीखते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम इसमें ए डैश बी डैश सी डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पी डैश क्यू डैश आर डैश। ऑर्डर इसका 3x3 है और यहाँ पर ऑर्डर क्या है 3x3 है। तो हम ए बी फाइंड करते हैं, ए बी मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट। तो इस रूल को आप ध्यान से समझेंगे, पहले मैट्रिक्स के रो में चलते हैं, रो के एलिमेंट हैं ए बी सी, सेकेंड मैट्रिक्स में हम कॉलम में चलेंगे तो रो वाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में। कैसे करते हैं देखिए, ए की प्रोडक्ट ए डैश से, तो ए ए डैश प्लस बी एक्स डैश प्लस सी पी डैश। अब देखिए ए बी डैश
प्लस बी वाई डैश प्लस सी क्यू डैश, ए सी डैश प्लस बी जेड डैश प्लस सी आर डैश। यहाँ पर फर्स्ट रो की हमने तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई की है और देखिए लिखने का हमारा क्या पैटर्न है, इस तरीके से प्लस 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 गैप देंगे। अब सेकंड रो, सेकंड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे। सी एक्स एड एक्स ए डैश प्लस वाई एक्स डैश प्लस जेड पी डैश, सेकंड रो की सॉरी सेकंड कॉलम में करेंगे। एक्स बी डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस जेड क्यू डैश, नाउ एक्स सी डैश प्लस वाई जेड डैश प्लस जेड आर डैश। अब थर्ड रो में आते हैं, पी ए डैश प्लस क्यू एक्स डैश प्लस आर पी डैश, पी बी डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस आर क्यू डैश, पी सी डैश प्लस क्यू जेड डैश प्लस आर आर डैश। ये आपकी मल्टीप्लीकेशन हो गई ए बी के। ओके, तो इसे ध्यान से आप समझेंगे और नोट करेंगे। एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, बी मैट्रिक्स हमने ले लिया एक्स वाई पी क्यू। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर 2x2 है, यहाँ पर भी 2x2 है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए बी रो वाई कॉलम चलेंगे, 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू पी, थोड़ा गैप देंगे, 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू क्यू। अब नीचे आ जाएंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू पी, 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू क्यू। ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2x2 का ऑर्डर था, स्क्वायर मैट्रिक्स थे दो ये। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, लेट एक्स एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ले लेते हैं हम 2x2, और वाई दूसरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ले लेते हैं हम 2x1। ओके, तो 2x2 में ले लेते हैं 2 3 1 4। यहाँ पर आप लेते हैं 3 4। तो देखिए पहले मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर है, दूसरा आपका कॉलम मैट्रिक्स है 2x1 है, इसमें एक कॉलम है और दो रो हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो अब हम एक्स मैट्रिक्स की वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, रो वाई कॉलम चलेंगे। देखिए पहले रो में चलेंगे, इधर कॉलम में, तो 2 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12। ओके, अब देखिए फर्स्ट रो को हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कॉलम में कॉलम है नहीं, तो अब नीचे आ जाएंगे, सेकंड रो को फिर कॉलम में करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 प्लस 16, ये आपका हो गया, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये मिलेगा हमें 18 और 19। ऑर्डर क्या है आपका 2x1। देखिए 2x2 आपका फर्स्ट मैट्रिक्स में दो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में दो रो हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्स और वाई का पॉसिबल है, और इसका ऑर्डर जो आएगा वो डिपेंड करता है इस पर कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम क्या हैं। तो ऑर्डर आपको मिलेगा 2x1, ये इसका आपका ऑर्डर हो गया। ओके, आप इसे समझेंगे और मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं।
देखिए, एक स्टेप हमने पहले पढ़ाया था कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, अगर माइनस ए हम करें तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है इसमें ए बी सी डी, तो दिस मीन्स माइनस की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। ओके, इसी तरीके से अगर ए मैट्रिक्स में हम 2a निकालें, 2a निकालें इससे, तो इसका मीनिंग हो गया इस तरीके से, ये स्केलर है कोई भी, यहाँ पर हम k लिख दें, सपोज करो k इज एनी स्केलर a b c d, तो k की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में होगी k इंटू ए k इंटू बी k इंटू सी और k इंटू डी, इस तरीके से। ओके, ये आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, एक मैट्रिक्स लेते हैं हम इसमें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ऑर्डर इसका आपका हो गया 3 by 1। बी मैट्रिक्स ले लिया हमने इसमें 2 3 4 2 3 4, तो इसका ऑर्डर है 1 by 3। आप देखिए इसमें कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 है, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आपका होगा 3 by 3। ये इस पर डिपेंड करता है, ये क्या है आपका ऑर्डर, ओ आर डी आर, गॉट इट। तो हम यहाँ पर निकालते हैं ए बी की प्रोडक्ट, रो वाई कॉलम चलेंगे, देखिए रो वाई कॉलम कैसे करते हैं, रो में चले इसमें 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 into 2 2, अब प्लस लिखते हैं यहाँ पर हम प्लस, लेकिन नीचे तो एलिमेंट ही नहीं है, इसमें आगे चलेंगे यहाँ एलिमेंट नहीं है छोड़ देंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई इसमें 3 में करेंगे 3, 1 की मल्टीप्लाई 4 में, ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 4, ओके 6 8, 3 की मल्टीप्लाई 6 9 और 12। रो वाई कॉलम 1 की 2 में मल्टीप्लाई की, आगे एलिमेंट यहाँ पर होता तो हम यहाँ चलते इसमें कॉलम में प्लस करके लिखते, इधर एलिमेंट नहीं है, यहाँ भी एलिमेंट नहीं है, छोड़ दिया, गैप दिया हमने इसमें, तो फर्स्ट रो को 3 बार कर, तीनों कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो को एलिमेंट को, तो 1 की एलिमेंट की तीनों रो में करेंगे इसमें इसमें, तो 2 3 और 4 ऐसे इसमें, ओके। तो ये आपका ऑर्डर आया 3 by 3 का ऑर्डर हो गया, गॉट इट। अब देखिए, ये हमने ऑर्डर लिया था 3 by 1, अब इसमें हम ले लेते हैं, सपोज करो एग्जाम्पल 1 2 3, ये मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हम देखते हैं तो इसमें 1 by 3 है, और एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 5, इसका ऑर्डर देखते हैं तो ये 3 by 1 है। यहाँ पर हम चेक करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसका ऑर्डर क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा इसका ये 1 by 1, ये कहलाएगा इसका ऑर्डर। चेक करिए, ए बी रो वाई कॉलम चलेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 2 की मल्टीप्लाई इसमें, तो प्लस 8, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 15। रो में ऐसे चलते हैं, कॉलम में इस तरह चलते हैं, ओके। तो ये आपका आ गया
ओके अब इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 1/1, यहाँ पे देख लीजिए 1/1, गॉट इट।